हेलो मेरे भाई, तो आ गए हम फिर से आप लोग के बीच एक नए ट्रेंडिंग रील एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा ही होगा कि ऐसा इफेक्ट वाला रील यार इंस्टाग्राम में तहलका मचा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। बस आपको ये नहीं पता होगा कि ये रील को कैसे बनाई जाती है और इसमें इतना अच्छा अच्छा इफेक्ट कैसे डाली गई है। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि आप लोग इस तरह का रील बस एक क्लिक में बना सकते हो। हां जी, एक क्लिक में। तो मेरे भाई अगर आप लोग को इस तरह का एडिट सीखनी है तो यार प्लीज वीडियो कंप्लीट वॉच करें, जरा सा भी मिस नहीं करना है। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ले चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मेरे भाई इस तरह का रील बनाने के लिए आप लोग को अपने फोन में दो एप्लीकेशन, एक कैपकट, एक वीपीएन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कोई सा भी वीपीएन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीपीएन को कर लेना है कनेक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ से कनेक्ट वाला ऑप्शन लिखा है तो मैं सुपर वीपीएन मतलब यूज करता हूँ। तो सुपर वीपीएन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को वही सबसे बेस्ट लगती है। तो आप लोग भी सुपर वीपीएन यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो, ठीक है भाई। उसके बाद वीपीएन कनेक्ट कर देने के बाद आप लोग को डायरेक्ट क्रोम में चले जाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये रहा क्रोम का ऑप्शन, तो सिंपली आप लोग को क्रोम में चले जाना है। और क्रोम में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च करेंगे और क्या सर्च करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे सर्च करेंगे Beat 5/5 CapCut टेम्पलेट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग को आराम आराम से टाइप कर देना है, मतलब स्पेलिंग थोड़ा अगर गलत हो जाए, यहाँ पे मेरा गलत हो गया है, ठीक है भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्च कर देना है, CapCut टेम्पलेट लिख के सर्च कर देंगे। और सर्च करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर में जो एक वेबसाइट आप लोग को आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये रहा सबसे ऊपर ये वेबसाइट, ठीक है भाई। तो सिंपली ये वाला वेबसाइट पे आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा लेट चल रहा है यार, तो क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई, टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूज टेम्पलेट इन कैपकट, ठीक है भाई। तो आपके फोन में तो कैपकट चाहिए ही, ठीक है भाई। तो यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे आप लोग को क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि वो टेम्पलेट सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और देख सकते हो यहाँ पे कि ये वीडियो भी चलने लगा जो टेम्पलेट में जो लगाई गई है ये वीडियो, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और मिल जाता है यूज टेम्पलेट का, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में कम से कम समथिंग 20 फोटो या फिर 10 फोटो मांगेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग को फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, आप वीडियो भी ले सकते हो, तो मैं फोटो पे अभी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ फोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम फोटो सब सिलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा अपना फोटो को, जो भी अच्छा अच्छा फोटो होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैंने सारी फोटो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो समथिंग 10 फोटो या फिर 20 फोटो चाहिए यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट का, तो सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो जो फोटो आपने लिए होंगे वो फोटो का यहाँ पे वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भी आप लोग को दो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एक एक्सपोर्ट का, एक यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। तो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बिना वाटरमार्क का ये वीडियो एकदम गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो सेव हो रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा आप लोग को, 4-5 सेकेंड लेगा इतना सा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है, और यहाँ पे वेट करने के बाद देख सकते हो कि थोड़ा स्लो भी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, कैपकट को यहाँ पे ओपन करना है, और कैपकट ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपडेट मांग रहे थे, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो वीडियो अभी सेव हो गया है सिंपली उस वीडियो को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो वीडियो को हम ले लेते हैं, और वो वीडियो लेने के बाद यहाँ से इसको कर देंगे एड कैपकट में, और यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे वीडियो एड करने के बाद सबसे लास्ट में इसका जो होता है कैपकट का वो लोगो आ जाता है, तो सिंपली यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, नहीं तो लोगो रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद फिर से वीडियो लेयर पर क्लिक करना है और इसको साउंड को क्या करेंगे, पूरा म्यूट कर देंगे, तो साउंड को पूरा जीरो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें साउंड ऐड करना, तो साउंड आप लोग एकदम आसान तरीका से ऐड कर सकते हो इसमें, जो कि यहाँ से आप लोग को यहाँ पे बैक आना है, और बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका साउंड अगर वीडियो में से लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो में आपका साउंड होगा वो वाला, जो भी आपको पसंद होगा वो वीडियो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को वीडियो पर क्लिक करना है, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे
लिखा हुआ है इंपोर्ट साउंड ओनली, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो साउंड देख सकते हो कि नीचे वीडियो में लग चुका है एकदम अच्छे तरह से एक ही क्लिक में, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमारा वीडियो भी रेडी हो चुका है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप लोग को चला के दिखा देता हूँ कि वीडियो जैसा मैंने आप लोग को प्रीव्यू में दिखाया था वैसा ही वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है एकदम अच्छे तरह से। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग को ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एकदम अच्छा क्वालिटी में आप लोग को गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिट एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।